स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फटाफट हमारे जितने भी शेर शेरनी है फटाफट जुड़ जाइए। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस क्लास में एक साथ जीके और जीएस का निचोड़ प्रश्न करवाएंगे, जो आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन सीएसएफ फायरमैन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लगातार 2 घंटे की रैपिड रिवीजन क्लास करेंगे। दोस्तों पीछे हम आप लोग जितना क्लास कराए उसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, और दोस्तों आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो एक साथ इस क्लास में जीके और जीएस पढ़ाएंगे। तो फटाफट सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, जुड़ते जुड़ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं क्लास पे और करते हैं शुरू। जय हिंद, गो। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो हमारे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हम आप लोगों को स्टैटिक जीएस का पार्ट 1 आरंभ करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट लाइव में जुड़ जाइए, जितने भी शेर शेरनियाँ हैं एक बार कमेंट में दहाड़ लगा दीजिए जय हिंद वंदे मातरम का। तो दोस्तों हमें जुनून है इस बार वर्दी की, तो फटाफट सभी बच्चे जुनून है वर्दी की, ये गर्मी वर्दी वाली, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कॉमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए डेली रात 8 बजे क्लास लेकर आते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सभी विषयों का। तो फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए, साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सभी एग्जामों के लिए फ्री में क्लास चलाई जाती है और पीडीएफ नोटिस भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के हम चलते क्लास की तरफ और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न, जो आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चन आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ, जितने भी एग्जाम हो गए डिफेंस के, सभी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छा, सभी बच्चे एकदम जय हिंद कॉमेंट करते। चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमें आशा है कि आप लोगों को आज क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, देखते हैं आज का पहला राइट आंसर कौन देते हैं। फटाफट कमेंट करते जाइए सभी बच्चे। टॉप 45 क्वेश्चन है, डेली हम आप लोगों को 45 क्वेश्चन करवाएंगे 45 मिनट में, और 25 में से 25 का टारगेट है सामान्य विज्ञान में। चलिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं तब आपको जाके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामान्य नमक। आंसुओं में, मनुष्य के आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। लिख लीजिए सभी बच्चे, अपना अपना आंसर लिखते जाइए, क्योंकि हम पीडीएफ शेयर करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सर आंसर दीजिए, तो आंसर आप लोग लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है किसके कारण? फटाफट कॉमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। थोड़ा हम अभी लो लेवल से लेकर चल रहे हैं, हार्ड लेवल तक आप लोगों को लेकर जाएंगे, और आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वह नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, समझ गए, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए लोहे पर जंग रस्ट लगती है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के कारण। क्या हो जाएगा? फोरिक एसिड ऑक्साइड से जलयोजित फोरस तथा फोरिक ऑक्साइड से क्षारकीय फोरस एवं फोरिक कार्बोनेट से लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करते जाइए, साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। हम सभी बच्चों का यहाँ पर कमेंट पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
चलिए दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिग ने। किसने किया था दोस्तों? वेंटिग ने। इंसुलिन की खोज वेंटिग ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है और किसी को क्लास को स्किप नहीं करना है, बने रहना है सभी को इस लाइव क्लास में। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर लक्ष्मी धाकर डी, राघवेंद्र कुमार डी, सुनील चौहान डी, फिर आगे नेक्स्ट कमेंट कीजिए। देखते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? फटाफट कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टील। क्या है? स्टील जो है यह मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्टील एक मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करते जाइए और सभी फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। हम सभी का कमेंट यहां पर पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे का। पंकज कुमार, भूपेश, सुजल सविता, राकेश कुमार, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, सचिन रॉय। चलिए विजय कुमार प्रो, सत्येंद्र पढ़ लो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। हास्य गैस। कौन सा है दोस्तों? लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? तो हास्य गैस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, किसी को क्लास को मिस नहीं करना है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट है कि फेदम क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? फेदम क्या है?
फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेदम क्या है? एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है भाई लोग। देखिए फेदम यहाँ पर बताया गया है कि फेदम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फेदम क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक माप। क्या है दोस्तों? एक माप, एक मेजरमेंट है फेदम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो बच्चा BSF की तैयारी में लगे हैं पढ़ लो, क्लास फ्री में क्लास करा रहे हैं, बाद में बहुत पछताओगे, याद कर लो। अभी से क्लास चल रहा है, आज सीरीज 1 है, कल सीरीज 2 चलेगा, इसी तरह से सीरीज चलेगा। यदि आप डेली सीरीज में आते हैं तो आपका अच्छा नंबर आता है। चलिए रिचर स्केल, रिचर स्केल किसके नापने का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर स्केल में किसके नापने में प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी कमेंट करते जाइए सभी बच्चे। लेट कैसे हो गए? तैयारी करना है, जब 8 बजे हम क्लास लेके आते हैं तो सभी को 8 बजे जुड़ जाना है, लेट नहीं होना है, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, समझ गए? जिसको आपको अपना मतलब रखना है कि हमको तैयारी करना है, दूसरे से मतलब नहीं रखना है, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यदि आप तैयारी करोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। चलिए रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता। याद रखिए भूकंप की तीव्रता मापने में रिचर स्केल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है आगे बहुत पछताएगा। देखो ना अचानक एडमिट कार्ड आने वाला है, जल्द एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का, फिर पता चलेगा। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किया है? फटाफट कमेंट करके बताइए। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किया है? फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं कि कौन दे रहा है। रघुवंशी, अभिषेक आर्यन, शिवम कुमार झा, सुनील चौहान, शिवम कुमार, रघुवेंद्र रोहित, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के जो आविष्कार हैं वह अल्फ्रेड नोबल। याद रखिए यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबल किसका आविष्कार किया था तो सभी बच्चे को बता देना है कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? फटाफट कमेंट करके बताइए। फ्री क्लास है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, यदि पैसा देकर क्लास कराए तो बच्चा बोलेगा ओ यार पैसा लग रहा है इसका मतलब क्लास अच्छा है। अरे यार जो आपको पैसा देकर क्लास में ठग रहा है हम आपको फ्री में करा रहे हैं, नहीं तो विश्वास है तो मेरा क्वेश्चन और पैसे वाले क्लास का क्वेश्चन मिला के देख लो, हम आप लोगों को फ्री में इतना मेहनत करा रहे हैं। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम से। क्या हो जाएगा? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम से। किससे दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंसाधन हो रहा है? देखिए चिकित्सा और युद्ध में उपयोग करने के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंसाधन हो रहा है? ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू लेवल का है, पूछ दिया जा सकता है कि चिकित्सा एवं युद्ध उपयोगों के लिए किन उपकरणों का नवीनतम अनुसंसाधन हो रहा है, किन किरण का? तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे BSF ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, बाद में पछताना न पड़े क्योंकि अब हम क्लास रोकेंगे नहीं, कल भी क्लास चलेगी, सब दिन क्लास चलेगी, अब हम क्लास रोकेंगे नहीं, जिसको पढ़ना है डेली 8 बजे जुड़ जाइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चिकित्सा व युद्ध उपयोगों के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो लेजर किरणों पर। किस पर दोस्तों? लेजर किरणों पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। टेक्निकल विनय भाई स्टूडियो, मेरा नाम बोलेंगे अभिषेक आर्यन, पंकज कुमार, कपिल फौजी, शिवम कुमार, राजीव, दीपक, निर्मल, शिवम, पंकज, रघुवेंद्र, नीतीश कुमार, राकेश जी। क्लास सब दिन होगा भाई, अरे आप लोगों को वर्दी लाना है, वर्दी लेनी है, समझ लीजिए इस बार वर्दी आप लोगों को लेना है, जिसको नहीं पढ़ना है छोड़ दीजिए, आप लोग अपना देखिए कि हमको क्या करना है, दूसरे से मतलब नहीं। चलिए, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए रडार में जो है वह किस प्रकार की तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, फटाफट कमेंट करके बताइए आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। एक बार आप लोग सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक में आप लोगों ने कितना लाइक किया दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों एक बार आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़। अभी तक में 89 लाइक मिले हैं, प्लीज़ एक बार 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, आकाश को नीला दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वह क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, फटाफट कॉमेंट करके बताइए कितना सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए, साथ में क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए फटाफट सभी बच्चे। फटाफट डेली 8 बजे क्लास चलेगी डेली, जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन हम आप लोगों को बता देंगे ग्रुप में कि आज क्लास नहीं चलेगी, लेकिन डेली क्लास चलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है कैसे, हम सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र में अंतर ज्ञात करते हैं कि ये सूती है और ये ऊनी है, कैसे ज्ञात करते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे पढ़ लो, हम सब दिन बोलते हैं कि पढ़ लो, अच्छा नंबर रहेगा। BSF ने साफ साफ बता दिया है कि जिस बच्चे को हम देंगे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देंगे जहां पे हम PDF भेजते हैं, जिस बच्चे को, समझ गए क्या बोलता है BSF, जिस बच्चा को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर रहेगा उसको हम मेरिट लिस्ट में लेंगे, वरना जो बच्चा फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट भी क्लियर कर लेगा, सब कुछ क्लियर कर लेगा, एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेगा, यदि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं लेगा तो उसको हम छांट देंगे, समझ लीजिए, समझ गए। आप लोगों का जो कट ऑफ जाएगा OBC वाले ध्यान से सुन लीजिए, 85 से 90 कट ऑफ जाएगा। SC ST वाले ध्यान से सुन लीजिए, 75 से 85 कट ऑफ जाएगा, समझ गए, 75 से 85 कट ऑफ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो जो बच्चे तैयारी करेंगे अभी से उन्हें कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। चलिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, हम सभी का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और सभी का कमेंट ये नहीं कि सर कमेंट नहीं, हम देखते हैं कि कौन बच्चा कितना मेहनत कर रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या कर जलाकर, ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाए हैं सभी बच्चों का राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे।
कल रात में हिंदी की क्लास चलेगी, सामान्य हिंदी की क्लास चलेगी कल रात में। और दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछा जाता है, इसके लिए हम आज वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। भाई बोले ना कि 85+90 95 का कट ऑफ जाएगा जनरल वालों, ध्यान से कान खोल के सुन लो, लिख लो अभी कॉपी पे, नहीं गया तो फिर बाद में बोलना। चलिए, वर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, ऑफलाइन एग्जाम होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 25 हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, 25 मैथ से, 25 रीजनिंग से और 25 GK GS से, समझ गए, और इंग्लिश से भी 25 रहेगा, तो ऑप्शनल रहेगा, आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, फटाफट सभी बच्चे कमेंट। ओके सर, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जनरल का है, अरे भाई जाएगा देख लेना, हमको तो लग रहा है इससे आगे भी जाएगा, देख लो ना वैकेंसी संख्या कितनी है, 2788, जिसमें से 165 वैकेंसी फीमेल के लिए है, समझ गए। सबसे ज़्यादा बच्चे कुक में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, वाटर कैरियर में, वाशरमैन में, सबसे ज़्यादा बच्चे इन 3 पोस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। नहीं, न्यू OBC सर्टिफिकेट न्यू बनवाना पड़ेगा। चलिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, उष्मा का बुरा अवशोषक है, क्या है दोस्तों, उष्मा का बुरे अवशोषक है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन, कौन सा जो कथन है वह गलत है, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। अरे डेली क्लास चल रहा है भाई सुमन सौरभ, डेली क्लास चलता है, आप ही नहीं आते हो, डेली क्लास चल रहा है, अब डेली क्लास चलेगा, कुछ हो ना हो अब डेली क्लास चलेगा आप लोगों के एग्जाम तक, क्योंकि आगे SSB ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड आने वाला है, हेड कांस्टेबल का, CISF का भी एडमिट कार्ड आने वाला है, और CRPF पारा मेडिकल का भी एग्जाम होने वाला है, देख लीजिए ना वैकेंसी कि इस साल आप लोगों को एग्जाम ही एग्जाम है, मौका है मार दो चौका, नहीं तो ऐसे ही ढूंढते रह जाओगे। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है, ये क्या है दोस्तों, तो ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए, नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का, आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिए, शायद आज नोटिफिकेशन ज़्यादा नहीं गया है बच्चों पर, मुझे पता है, क्योंकि हमें पता है कि नोटिफिकेशन आज ज़्यादा नहीं गया है, तो आप लोग रात 8 बजे तैयार रहिए डेली, जिस दिन नहीं होगा हम बता देंगे, जो भी क्वेश्चन किसी को होगा डॉक्यूमेंट फिजिकल कैसे होगा, तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा, अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए थोड़ा सा हम पानी का इंतजाम कर देते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग पानी फटाफट पी लीजिए। चलिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, संतरे में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट लो कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी सबसे अधिक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे,
चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट कमेंट करके बताइए, शेर हो तो शेर की तरह धार हो, शेर हो तो बर्दी, एक ही सपना है कि बर्दी इस बार हमें लेना है तो लेना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इस बार बीएसएफ पेमेंट की और डिफेंस के जितने भी आप फॉर्म भरे हैं। चलिए 21 में बता रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र, रितेश, खास सारवत, चुन्नू पंडित, सूरज, सविता, राजीव कुमार, मिशन आर्म्ड फोर्स, योगेंद्र यादव, मेंटल फौजी, जितेंद्र कुमार, सुमन सौरभ, जीतू, अभिषेक गिरी, जितेंद्र कुमार, रितेश, रंजीत यादव, सभी मेहनती स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी, और ये बच्चे डेली जुड़ने वाले हैं उसमें है। तो चलिए इसके जोश को बरकरार रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। 22 का ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कि ब्लैक होल क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। ब्लैक होल क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लैक होल क्या है। फटाफट कमेंट करते जाइए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और एसएससी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, जो भी बच्चे फ्री में क्लास करा रहे हैं, ज्ञान ले लो। कल चलेगी सामान्य हिंदी और अगले रविवार को चलेगी महामैराथन क्लास। और हम आप लोगों के जानकारी के लिए वाटर कैरियर के लिए, वाशरमैन के लिए, कुक के लिए फिर फिजिकल सेंटर पर जा रहे हैं, वहाँ पर लाइव बच्चों से बात करेंगे और आप लोगों को सारी जानकारी वहाँ से हम देंगे। तो चलिए ब्लैक होल क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल जो है ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या कारण है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? फटाफट कमेंट करके बताइए जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का, कैलोरी की मापन इकाई है। सर जी आप अपना नाम नहीं बोले, मेरा नाम है हेमंत, मेरा नाम है हेमंत, समझ गए हेमंत? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कल चलिए कैलोरी की मापन इकाई क्या है,
कैलोरी की जो मापन इकाई है दोस्तों वह है उष्मा। क्या है दोस्तों? उष्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय वह लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हम बता दें कि कल की क्लास में हम सामान्य हिंदी क्लास चलेगी, कल हम आप लोगों को क्लास में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास का लिंक भेजने में और पीडीएफ भेजने में हमें हमारे पास चार ग्रुप बन चुका है, चार ग्रुप समझ गए, इसीलिए हम सोचते हैं कि सभी बच्चे एक साथ यदि टेलीग्राम में आ जाए तो हम कभी कभी टेलीग्राम में क्यूज भी कर सकते हैं जीके जीएस हिंदी रीजनिंग का, समझ गए। तो चलिए, सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? परकिरणन। क्या हो जाएगा? परकिरणन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, पंकज कुमार, अभिषेक यादव, सुमित कुमार बहुत अच्छे हैं। हम सुमित कुमार को देखते हैं कि बहुत कमेंट करते रहते हैं हर एक बात। मैथ की क्लास नहीं होगा? अरे भाई, मैथ की क्लास कैसे नहीं होगा भाई? मैथ की क्लास डे में चलेगा, हम टाइम बताएंगे आप लोगों को जल्द। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्रेट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में। किस में दोस्तों? समांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। लोहे में जंग लगना है एक, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरे भाई लोग, हम आज आप लोगों को 35 क्वेश्चन ही कराएंगे। आज हमारे जो हमारे दोस्त हैं उनका बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, तो बर्थडे में हमें इनवाइट किया गया है, तो दोस्तों बहुत कॉल आ रहा है, सो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरे भाई लोग, कल से हम आप लोगों को फुल टाइम देंगे, आज केवल हम आप लोगों को 35 क्वेश्चन ही कराएंगे, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, समझ गए दोस्तों। जाना है थोड़ा सा, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, सो प्लीज़ जाना पड़ेगा। तो हम कल आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आएंगे, रात 8 बजे सामान्य हिंदी चलेगी, धमाकेदार क्लास। चलिए, लोहे में जंग लगना है एक, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया, क्या है दोस्तों? रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना है एक, रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक बार लाइक का बटन दबा दो प्लीज, सभी बच्चे एक बार लाइक का बटन दबा दो प्लीज, और शेयर कर दीजिए क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, मन्नु मस्तिक, लक्ष्मी, सरिता कश्यप, बहुत मेहनती स्टूडेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक मैं मात्र आप लोगों ने 151 लाइक किया है, कम से कम 200 लाइक कंप्लीट कीजिए प्लीज, और क्लास को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी आपका ग्रुप हो। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण? क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण क्या है? संवहन का। ऑप्शन नंबर यहां पर फाइनली क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे यहां पर बी राइट आंसर दिए हैं सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में
SI में बल का मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, SSC GD में पूछा गया था, और SSB हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि SI में बल का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? SI में बल क्या है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, SI में बल का जो मात्रक है वह क्या है? तो न्यूटन। क्या है दोस्तों? न्यूटन। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कल रात 8 बजे चलेगी क्लास, सभी को बता देते हैं, ये मत बोलिएगा कि सर आप नहीं बोले थे, कल रात सामान्य हिंदी की क्लास चलेगी। वायु क्या है? मुहावरा चलेगी कल रात, क्योंकि BSF ट्रेड्समैन में और आपके एग्जाम में मुहावरा बहुत पूछे जाते हैं, से 10 मुहावरा पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, हिंदी में 25 में से 25, GK GS में 25 में से 25, मैथ में यदि थोड़ा कि सभी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैथ में यदि आप 10 भी क्वेश्चन कर लेते हो, इधर 25 इधर 25 और रीजनिंग और में 25, तो समझ लीजिए 20 20 40, फिर आपका 70 से 75 प्लस 80 से 85 नंबर आ जाएगा। समझ गए? चलिए वायु क्या है फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु दोस्तों, तो वायु क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायु मिश्रण है। क्या है दोस्तों? वायु मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यान ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? गौरव जाटव जी बताइए, आपका फिजिकल कैसे हुआ? गौरव जाटव जी, सबसे पहले जो हम एडमिट कार्ड निकाले BSF ट्रेड्समैन का, तो गौरव जाटव जी का एडमिट कार्ड हम निकाले हैं BSF ट्रेड्समैन का, सबसे पहला बच्चा है और 18 तारीख का ही इसका पेपर था, सॉरी फिजिकल था। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डायनमो द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का फटाफट कमेंट करके बताइए। हम सोच रहे हैं कि 45 क्वेश्चन करा ही देते हैं, चलिए 45 क्वेश्चन करा ही देते हैं, आप लोगों को हम PDF भी शेयर कर देंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पर दबा के क्लिक कर दीजिए। फटाफट सभी बच्चे कमेंट कीजिए। रघुवंश राजेंद्र MDS, मेंटल फौजी सोनू सिंह, सर मेरा भी आज हो गया, बहुत बहुत अच्छा। अरे यार, जिसका सुने सबका हो गया, सबका होगा भाई सबका। नीतीश कुमार, रंजीत यादव, निगेटिव मार्किंग हो तो BSF ट्रेड्समैन में? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, ब्लू ब्लैक पेन से आप लोगों को ले जाना है, बस 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी ट्रेड टेस्ट पास कर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। पवन यादव, पप्पू कुमार, 24 सितंबर को किसका है बंगाल में? चलिए दोस्तों, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? उसके भार में कमी आएगी। क्या हो जाएगा? उसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? का उपयोग होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, प्लीज़ दोस्तों। सर मैं पहले SSB में हूँ लेकिन मैं फॉर्म भरा था और उस पास होकर आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे पहले स्टूडेंट हैं जो फाइनली एडमिट कार्ड हम पहले आपका निकालकर सभी बच्चों को सूचित किए, तो आपके लिए ताली होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सल्फर का उपयोग होता है, और जो बच्चे BSF ट्रेड्समैन हो, चाहे SSB हेड कांस्टेबल हो,
एसएसबी ट्रेड्समैन हो, सीआरपीएफ हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, यदि ज्वाइन करके आता है तो हमारी टीम के तरफ से उन्हें बधाई पेश किया जाएगा, उपहार स्वरूप गिफ्ट प्राइज किया जाएगा, समझ गए। चलिए, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, फाइनली ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहते सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में अधिक दिखाई देता है, फटाफट कमेंट करके बताइए, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। आज सीरीज एक है, सीरीज वन है, हम नेक्स्ट डे फिर सीरीज टू लेकर भी आएंगे। कल है आप लोगों का सामान्य हिंदी की क्लास, समझ लीजिए। और जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल कुक का हुआ है उसके बारे में नहीं पता तो लाइव हम सेंटर से आप लोगों को बताए हैं, तो आज हम वीडियो अपलोड किए हैं, जाके चैनल पर आप लोग देख लीजिए। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कॉमेंट करके बताइए, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चांदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी जी। अरे भाई, नवंबर दिसंबर में हेड कांस्टेबल का फिजिकल होके रहेगा। चलिए, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, बस दो क्वेश्चन और बचे हैं, 40 क्वेश्चन करवाएंगे। गर्मी में मकानों को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? चलिए, गर्मी में ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। तो कल रात 8 बजे चलेगी सामान्य हिंदी की क्लास बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। कोतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फटाफट कॉमेंट करके बताइए, ये रट लो इस सब क्वेश्चन को, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? और हम आप लोगों को 25 से 26 तारीख को बीएसएफ के कैंप पे फिर निकालने हैं, समझ जाइए। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्टों का जो फिजिकल हो रहा है, वाशरमैन का कैसे होगा, वाटर कैरियर का कैसे होगा, सारी जानकारी हम आप लोगों को कैंप से देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8292987191। ये नंबर पे आप मैसेज भी कीजिएगा। सो प्लीज़, कल हम महामैराथन कल हिंदी की जो क्लास चलेगी मुहावरा का, तो उसमें हम आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, लकड़ी ताप के कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। एक ही ताप दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का लास्ट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, किसी को क्लास को मिस नहीं करना है, बने रहना है, सभी को एकदम धमाकेदार क्लास है। सभी डेली क्लास में जुड़िए, ये नहीं कि आज क्लास में आते हैं कल नहीं आएंगे, सर ये हो बहाना मत मारिए, क्लास में डेली आइए, समझ गए, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का
वो हो जाएगा एवोगाडो की परिकल्पना का नियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? की परिकल्पना का नियम। ऑप्शन नंबर फाइनली यहां पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मिलते हैं हम कल हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, लव यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों हम आप लोगों के साथ हैं, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो BSF ट्रेड्समैन के जितने भी बच्चे फाइनली फिजिकल कंप्लीट कर लिए हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके BSF ट्रेड्समैन के एग्जाम में, चाहे CSF फायरमैन का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का कोई एग्जाम हो, ये टॉप 20 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है टॉप 20 प्रश्न। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑल पर दबाकर क्लिक करके और इस टॉप 20 प्रश्न को पूरा देखिए और आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि 20 में से आप लोगों को कितना सही उत्तर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फटाफट अंदाज में, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरजी ने यहां पर भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। डेली रात 8 बजे इस चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री क्लास चलती है लाइव। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, फाइनली ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? WTO का मुख्यालय कहाँ है? चलिए दोस्तों देखते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कॉमेंट करके बताइए सभी बच्चे। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर फाइनली डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोगा प्रपात। ये जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? दोस्तों BSF ट्रेड्समैन और डिफेंस के हर एक एग्जामों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉप 20 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कंप्लीट देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्लाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? फटाफट कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्लाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सभी क्वेश्चन स्टैटिक है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत व श्रीलंका। क्या हो जाएगा? भारत व श्रीलंका, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पिछले बार जो बीएसएफ टेस्टमैन के एग्जाम हुए थे 2017 में, उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और टॉप लेवल का सभी क्वेश्चन है। चलिए, भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करते जाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दें। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट करके बताइए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके ज़िंदगी बदल सकती है, सो प्लीज़ इस क्लास को कंप्लीट देखिए और नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर फाइनली डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए सभी बच्चे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वह था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसीबल शब्द किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताइए डेसीबल शब्द किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, डेसीबल शब्द ध्वनि से संबंधित है, किससे? ध्वनि से संबंधित, 12 का सी राइट आंसर फाइनली इसका हो जाएगा। चलिए बीएसएफ टेस्टमैन की दीवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाज पद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? फटाफट कमेंट करके बताइए अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन टॉप 20 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। चलिए देखते हैं फाइनली इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंपा। कहाँ थी दोस्तों? चंपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने इसी चैनल पर आप लोगों को करवा दिए हैं और इसी चैनल पर हम डेली रात 8 बजे भी प्रश्न करवाते हैं। चलिए देखते हैं शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है केरल में स्थित। कहाँ है दोस्तों? केरल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, समुद्री सतह पर भूकंप, इसके कारण सुनामी आती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित कहाँ? लखनऊ में। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? फटाफट कमेंट करके बताइए मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो महबूब उल हक ने। किसने किया था दोस्तों? महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है,
ऑप्शन नंबर 18 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को आप लोग एक बार लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली बीएसएफ ट्रेसमेंट के लिए हम रात 8 बजे क्लास लेकर इसी चैनल पर आते हैं बिल्कुल फ्री, साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एगमार्क। क्या हो जाएगा? एगमार्क हरेक कृषि उत्पादों पर एवं खाद्य पदार्थों पर एगमार्क का एक मोहर लगा हुआ आता है जिसे कृषि उत्पादकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताइए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? फटाफट कमेंट करके बताइए इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करते जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कितना नंबर आया नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को BSF ट्रेड्समैन एग्जाम 2022 के बेस्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले जो नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, केवल स्टैटिक क्वेश्चन हम आप लोग कराएंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे कल रात इसी समय 8 बजे GS का क्वेश्चन, डेली रात 8 बजे हम आप लोगों के लिए BSF ट्रेड्समैन के लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं फटाफट सभी क्लास में जुड़ जाइए और एक बार कमेंट कीजिए जय हिंद, ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी फ्रेंड्स जुड़ गए हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को टॉप 45 क्वेश्चन, टॉप 45 क्वेश्चन कराएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले सभी के लिए। तो फटाफट सभी बच्चे जुड़ते जाइए, हमारे जितने भी बच्चे हैं फटाफट सभी जुड़ जाइए, एक बार सभी जय हिंद कमेंट कीजिए फटाफट सभी बच्चे। और चलिए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज के टॉप प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं BSF ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये वर्दी होगी हमारी, आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होगा और जो बच्चे एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे फाइनली उनका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए दोस्तों डेली आप लोगों क्लास में जुड़ना है। हम आप लोगों के चैनल पर GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सभी क्लास कराएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? दोस्तों आज हम लो लेवल से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और हार्ड लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे। तो जीके जीएस का सभी हम लो लेवल से शुरुआत करेंगे और हार्ड लेवल तक क्वेश्चन लेकर जाएंगे। तो फटाफट सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करते जाइए, साथ में आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। BSF ट्रेड्समैन वालों सुन लो कान खोल के, फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल कंप्लीट कर लोगे, ट्रेड टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अच्छा नंबर रहेगा तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, लो लेवल से शुरुआत किए हैं हार्ड लेवल तक लेकर जाएंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। फटाफट ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने हैं दोस्तों? कुल 5 महासागर हैं पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, फटाफट कमेंट करके बताइए, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों हम डेली आप लोगों के लिए रात 8 बजे क्लास लेकर आएंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइए BSF ट्रेड्समैन वालों, ध्यान से सुन लो, सबसे स्टैटिक क्वेश्चन कराएंगे। फटाफट पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।
लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो का जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों? 7। यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी लगा देना है कि कितने हैं, तो 7 महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पीडीएफ भी मिलेगा, हम आप लोगों को लास्ट में ग्रुप का नंबर देंगे, उस ग्रुप में सभी बच्चे को आ जाना है और हम आप लोगों को पीडीएफ डेली बाय डेली, आज जीके का है तो कल जीएस का है, डेली बाय डेली हम आप लोगों को पीडीएफ शेयर करते जाएंगे। चलिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करते जाइए सभी बच्चे। शिवम कुमार, जितेंद्र साहू, मनु कुमार, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम सभी का कमेंट यहां पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एशिया, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो भी बच्चे डी राइट आंसर दिए हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे को जय मातरम। चलिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं, हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं, प्रैक्टिस सेट मतलब एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन ऑनलाइन क्लास। जब भी आपको क्लास देखना हो, सर आज फर्स्ट क्लास है क्या? अरे भाई बहुत क्लास चला है लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास होगा। चलिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, आज पहला क्लास है और आज हम पहला क्लास से शुरुआत किए हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों के लिए और डेली हम आप लोगों को रात 8 बजे क्लास कराएंगे, मैथ की भी क्लास चलेगी। चलिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपेश कुमार, तपन जोशी, शिवम कुमार झा, सुधीर कुमार, रोजगार विथ अंकित बी बोल रहे हैं शिवम कुमार झा, सर मेरा आर्मी क्लर्क में हो गया था, कैंसिल हो गया, सो सॉरी यार। चलिए गौरव कुमार, हरियाणवी गेमर, अभिषेक निषाद ऑफिशियल सी, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी सर फास्ट पढ़ाइए। अरे भाई फास्ट कुछ बच्चे को जुड़ने दीजिए, क्लास चल रहा है फास्ट चलेगा भाई। चलिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देने वाले हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो कुक का है वो लास्ट में बताएंगे कि कुक में आज ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ, सारी जानकारी देंगे और कल हम फिर बीएसएफ कैंप पर जा रहे हैं, समझ जाइए। चलिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, एकदम मॉक टेस्ट चल रहा है भाई। जिस भी बच्चे को बीएसएफ ट्रेड्समैन में सपना है कि हमें वर्दी लेना है तो बने रहिए क्लास में, टॉप 45 क्वेश्चन करेंगे। चलिए अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रूस, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि सर ये तो लॉ लेवल का क्वेश्चन है, सर आप क्या करा रहे हो। अरे लॉ लेवल का, लॉ लेवल से हम शुरुआत किए हैं और हार्ड लेवल तक आप लोगों को लेकर चलेंगे। ओडिशा बीएसएफ कैंप का कुछ बताओ, बताएंगे सभी का बताएंगे, पर मुझे भी
जोर कर लो अपनी क्लास में। अरे भाई जिसको क्लास में आना है डेली शाम रात 8 बजे क्लास चलता है, फ्री है, हम आप लोगों को नंबर देंगे मॉक, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे, डेली पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। मैथ का हम 0 लेवल से क्लास लेकर चलेंगे, जो आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में पूछा जाएगा। पिछले प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र भी हम आप लोगों को देने वाले हैं, पिछले वर्ष कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसी सिलेबस के अनुसार हम आप लोग क्लास कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फटाफट चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि डी होगा, अमित कुमार बोल रहे हैं कि डी होगा, प्रिंस कुमार बोल रहे हैं कि डी होगा, विकास कुमार डी, विपुल राय डी, बॉबी कुंतल डी, हरिवानी गेमर बोल रहे हैं कि डी होगा, यहाँ पर सभी का डी, रुपेश कुमार सभी का यहाँ पर डी आ रहा है, आज़ाद यादव डी, देखते हैं कि राइट एंड क्या हो जाएगा, सभी बच्चों का यहाँ पर डी आ रहा है। चलिए बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों अब की बार वर्दी लेना है हम सभी को, और सभी बच्चों की इस बार वर्दी लेना है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का 7 का राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों से बीएसएफ ट्रेड्समैन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो आप लोगों को क्या बताना है मित्रों, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत अच्छा, हमारे बच्चे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं आज सभी बहुत मेहनती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग टेस्ट भी कंप्लीट कीजिएगा, सब कुछ कंप्लीट करके फाइनल इस बार वर्दी हमारे बच्चे ही लेंगे जो हमसे जुड़े हैं। चलिए चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, सर रानीगंज बीएसएफ कैंप के बारे में भी कुछ बताएंगे, और हम जल्द फिर बीएसएफ कैंप पर जा रहे हैं, वहां से आप लोगों को कुक में कैसे होगा, वाटर कैरियर में कैसे चल रहा है, सारी चीज बताएंगे। एक चीज हम आप लोगों को हर एक बीएसएफ कैंप पर हर इस 2 महीने में जाकर बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ है। चलिए चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग, क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बस आप लोग साथ दीजिए। चलिए वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति, फटाफट कमेंट करके बताइए, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, मैं सबको बोल रहा हूं कि पढ़ लो पढ़ लो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल क्वेश्चन करवा रहा हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन का। जिसको विश्वास नहीं होगा अपना कोई बात नहीं, एग्जाम के समय पता चलेगा। हम आप लोगों को मॉडल पेपर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, सभी बच्चों को हमने एक मॉडल पेपर बनाया है जो आप लोगों को एग्जाम से पहले हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो जो बच्चे डेली जुड़े रहेंगे उन्हें हम मॉडल पेपर देने वाले हैं। आप लोगों को कहीं भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है बुक पे, हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आप लोगों को मैथ की क्लास कराएंगे, रीजनिंग का हिंदी का टेंशन नहीं लेना है। चलिए वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखते हैं फाइनली इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में बी बी बी, क्या बात है यार, बी बी। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, देंगे भाई व्हाट्सएप नंबर देंगे, ग्रुप का नंबर देंगे, सभी ग्रुप में जुड़ जाइएगा, हम जब भी कोई जानकारी देते हैं तो ग्रुप में देते हैं। चलिए देखते हैं वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट बंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट बंधु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए और ये मत सोचिए कि हम ये पढ़ेंगे तो बीएसएफ जिन आपके जो भी एग्जाम सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है, फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करते जाइए, हम आपके साथ हर समय खड़े हैं, बस आप लोग हमारा साथ निभा दीजिए, साथ दीजिए सभी बच्चे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चीन। और बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल है वह ग्राउंड पे कराया जा रहा है, सबको पता होना चाहिए, रोड पे कराया जा रहा है हर एक फिजिकल सेंटर में। और बता दें आप लोगों को कि कुक में आप लोगों को चाय बनाने के लिए बोला जाता है, चावल बनाने के लिए बोला जाता है, रोटी पकाने के लिए बोला जा रहा है, समझ गए। और कोई बच्चा भी फिर हम बताते जाएंगे, सभी ट्रेड का क्लास में बताएंगे और कोई कमेंट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर आज कितना क्वेश्चन होगा, डेली हम 45 क्वेश्चन कराएंगे फास्ट, चलिए फास्ट करते हैं। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा धर्म है, सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सनातन धर्म जो अस्तित्व में है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। थोड़ा सा बफरिंग भी हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है। चलिए अजीत केसरी, विजय कुमार पुरो, शिवम आज़ाद, विक्रांत हरियाणवी, जय गुप्ता, विपुल राय, शिवम सूर्य, योगेंद्र, मुस्कान कुमारी, विक्रांत सिंह, संदीप प्रजापति, हमारे सभी मेहनती स्टूडेंट जुड़ गए हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब ग्रुप, जहां भी आपका ग्रुप हो। चलिए विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन सा नगर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा। कौन है दोस्तों, हिरोशिमा। चलिए विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसी को क्लास को मिस नहीं करना है, समझ गए। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए चैनल पे नए हैं तो। चलिए विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन। विश्व का प्रथम मुद्रित करने वाला पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में आज़ाद यादव, विक्रांत, सत्येंद्र, बहुत सारे बच्चे हैं, अभियंत, दोस्तों जिसका भी नाम मैं नहीं ले लूँगा प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। चलिए देखते हैं कि सभी का यहाँ पर कोई बी सी, तो चलिए देखते हैं विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर एस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर भी हो रहा है, बी आंसर, सर भी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, फटाफट कमेंट कर बताइए सभी बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई, किसी को क्लास को स्किप नहीं करना है आज, कीजिए भाई सफलता में। जो बच्चे रनिंग किए हमारे साथ जुड़े थे, जो बच्चे रनिंग किए ट्रेड टेस्ट बोले करने के लिए, ट्रेड टेस्ट किए, आज देखिए वह पास होके क्लास में है और घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, और हमें पूरा विश्वास है कि यदि हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए कल रात है जीवी विज्ञान की क्लास रात 8 बजे। चलिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है दोस्तों। हम आप लोगों को बता दें कि कल यदि हम
यदि हम कैंप चले गए बीएसएफ कैंप आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए, तो क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हम बता देंगे आप लोगों को। यदि नहीं गए तो हम बीएसएफ का एग्ज़ाम नवंबर में होगा, नवंबर में बीएसएफ का एग्ज़ाम होगा, हमको लग रहा है कि अक्टूबर में ही ना शुरू हो जाए। चलिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, और जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे उन्हीं को फाइनल मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा, बीएसएफ ने बता दिया है। चलिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, टोक्यो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप। हम आप लोगों को ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर करेंगे, लास्ट में हम ग्रुप का भी नंबर देंगे, लास्ट में हम ग्रुप का नंबर देंगे, उस ग्रुप में सभी को ज्वाइन हो जाना है। हम आप लोगों को पीडीएफ डेली बाय डेली पीडीएफ शेयर करते जाएंगे, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लिखते जाइए। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम तो सभी को बोलते हैं पढ़ लो, जब ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ लो, इतनी तैयारी रखो कि इधर फिजिकल डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट पास किए और एग्ज़ाम इतना नंबर लाना, इतना नंबर लाना कि कोई भी हो तुम्हें पीछा नहीं कर सकता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश है, फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा देश है, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है भाई, 45 क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। जी लोधी जी, सुनील चौहान, गौरव कुमार, विजय कुमार प्रो, अजीत केसरी, विक्रांत सिंह, अजय यादव, फटाफट क्वेश्चन नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा देश है, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों वह है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, रूस। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। हम आप लोगों में 2-3 बार डिटेल्स में क्वेश्चन लाएंगे, और ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट लाए हैं, इसलिए डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर आप डिटेल्स के साथ समझाएंगे, लेकिन ये मॉक टेस्ट है, समझ गए, आप लोगों को आज हम देख रहे हैं। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितना आपका हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर बीएसएफ का एग्जाम अक्टूबर से लेकर नवंबर में होगा 2022 में, और क्या कहते हैं, जनवरी में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, दिसंबर में मेडिकल होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का। जनवरी 2023 में सबके, जो बच्चा मेहनत करेगा अभी उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा 100%। जो घूमेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो रनिंग नहीं करेगा, जो ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। लिख लो, जो रनिंग किया आज फिजिकल में पास है, बीएसएफ का सबसे बड़ा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर उनका, सुंदरबन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज गलत, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर आज मेरा बहुत गलत हो रहा है, अरे आज गलत होगा तो कल सही होगा। अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, वर्दी दे, वर्दी लो, वर्दी सोचो, गांव में क्या इज्जत होगा जब वर्दी पहन के आओगे तो, क्या तुम्हारे दोस्तों क्या तुमको बोलेंगे, तुमसे जलने वाले कैसे जिएंगे, सोचा है कभी, सोचो, और इसके लिए सोच के आगे बढ़ो, तैयारी करो जीत की। चलिए, सबसे बड़ा बांध, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बांध। चलिए दोस्तों, देखते हैं, विश्व का सबसे जो बड़ा बांध है वह है भव्य बांध, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, मात्र 20 क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर जैसलमेर बीएसएफ ग्राउंड कैसा है, भाई जो भी बीएसएफ ग्राउंड है सभी पे रोड पे रनिंग हो रहा है, सभी बीएसएफ ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, जो बच्चा मेहनत करते हैं उन्हें फिजिकल में पास कर दिया जाता है, और आज ट्रेड टेस्ट में भी बहुत बच्चा पास हो गया है, चाहे बनवाया गया
और रोटी पाया गया और बोला कि सलाद काट के खिलाओ। समझ गए, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से 5 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है आने वाले एग्जाम के लिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। फटाफट विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, क्या है दोस्तों? महाभारत। बीएसएफ के बीएसएफ ट्रेड्समैन वालों, सभी ट्रेड वालों जग जाओ, नींद से जग जाओ, नींद से जग जाओ। जब हम आप लोगों के लिए दिन दिन भर बीएसएफ ग्राउंड में धूप में बैठे रहे आप लोगों को जानकारी के लिए, तो क्या आप लोग क्लास में 1 घंटा समय नहीं दे सकते हो? सोचो, आप लोग जाके देख लो, पूरा दिन भर धूप में बैठे रहे आप लोग, मेरी हालत देखोगे तो पता लगेगा। आप लोगों के लिए, किसके लिए? तो आप लोगों के लिए हम एक पे एक जानकारी जुटाना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो बीएसएफ सेंटर पे जाके, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत दूर से अपने स्थान पर जाते हैं। क्या अमित शुक्ला? अमित शुक्ला मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट है अभी इस क्लास में। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, किसी को कोई दिक्कत है तो लास्ट में कमेंट करेगा, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट के बारे में पूछना हो लास्ट में कमेंट करेगा, अभी हम क्लास बढ़ाएंगे। समझ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है क्वेश्चन नंबर 22 का महाभारत। चलिए नेक्स्ट कमेंट चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, फटाफट कमेंट करके बताइए। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं दोस्तों। क्या बात है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है दोस्तों कि गला सूख जाता है। चलिए, कल रात तो हमारा गला फट गया था, रात भर खाना नहीं खाया जा सका, इतने बच्चों को क्वेश्चंस का जवाब हमें लैब में देना पड़ता है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ग्रीनलैंड। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए और आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र, फटाफट कमेंट करके बताइए। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। अरे हम सभी सेंटर के बारे में बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब तक हमारे जान रहेगा हम आप लोगों को झुकने नहीं देंगे और किसी को टेंशन नहीं लेने देंगे। आपका टेंशन हमारा टेंशन, आप सभी हमारे भाई हैं, आप भी याद करोगे कि क्या एक सर मिला था। चलिए, का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भूमध्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी है, फटाफट कमेंट करके बताइए। कुलदीप फौजी, जमय कुमार, आनंद राम, छोटू यादव, रुपेश कुमार, फटाफट कमेंट करके। नीतीश यादव सर जी, आवाज सही नहीं आ रहा है भाई, कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, तो इसीलिए आवाज हमारी से प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का, फटाफट कमेंट करके बताइए।
विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। हम आप लोगों को बता देते हैं, एक बार हमारी बात कान खन के सुन लीजिए आप लोग, कि जिसको जो क्वेश्चन करना है लास्ट में कीजिएगा, अभी मात्र क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताइए, विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है बताइए। इस बार तो BSF ट्रेड्समैन को हम देखना नहीं चाहेंगे, जो बच्चे हमारे साथ मेहनत करेगा हम लिख के देते हैं 100%। कोई आपको पैसा लेके बैच बना के दे रहा है, 200 रुपये ले रहा है, 400 रुपये ले रहा है, 300 रुपये ले रहा है, लेकिन जो वो बैच बना के पढ़ाएगा हम आप लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में, वह भी डेली रात 8 बजे। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 28 का फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए फटाफट फटाफट, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 200 से 300 लाइक आज कंप्लीट करना है, प्लीज़ दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते, क्या यार, हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते। एक बार लाइक मारिए सभी बच्चे, प्लीज़ दोस्तों, एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्दा नहीं उड़ा दिए BSF ट्रेड्समैन को तो फिर हमारा नाम भी नहीं हेमंत। दोस्तों, आप लोग मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है हेमंत। यदि आप लोगों को ये ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा 240p कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा। आनंदराम बहुत अच्छा मेहनत करे तभी से हम देख रहे हैं, अमित कुमार, शशिकांत यादव, मेंटल फौजी, देवेंद्र जी, जिसका नाम नहीं ले रहे हैं प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, हमें कुछ पता नाम का। चलिए, आलोक कुमार, अजीत केसरी, प्रिंस अहिर, शशिकांत, अजीत, राधे आर्मी, देवेंद्र पाल, हमारे सभी लोधी बहुत मेहनती तभी से लग रहा है, अमित कुमार, अमित शुक्ला, शशिकांत, अमित यादव, छोटू। चलिए, देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। ध्यान से सुन लीजिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? मात्र 10 क्वेश्चन और बच गए हैं, 10 बस। चलिए, वाह मेरे शेर वाह। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील नदी। विश्व का सबसे लंबी सुरंग, फटाफट कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। आप लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं ना, जुड़ जाइए, देखिए कैसे क्लास होता है। मैं क्लास जो चलेगा वो लाइव चलेगा, बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, बाकी ये क्लास आप लोगों को ऐसे ही मॉक टेस्ट चलेगा। चलिए, विश्व का सबसे लंबी सुरंग जो है वह कौन सा है दोस्तों? नॉर्वे का सुरंग। कौन है दोस्तों? नॉर्वे का सुरंग, याद रखिए, विश्व का सबसे लंबी सुरंग नॉर्वे का सुरंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार, फटाफट कमेंट करके बताइए, विश्व का सबसे बड़ा दीवार। और दोस्तों, हम जो ये क्लास चला रहे हैं इस क्लास के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जो भी बच्चे यदि कोई क्लास तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं BSF ट्रेड्समैन का क्लास, आप लोग देख सकते हैं उसमें जाके, हम सब के लिए।
चलिए विश्व का सबसे बड़ा दीवार, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन की महान दीवार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए सरिता कश्यप, लक्ष्मी धाकर, ये सरिता कश्यप और ये लक्ष्मी धाकर जो है बहुत मेहनती स्टूडेंट है और बहुत पुराने हैं। चलिए सरिता कश्यप, आप लोग भी सोच रहे हैं कि सर इतना दिन से क्लास लेके क्यों नहीं आए। सरिता का जब से हम क्लास लेके आए हैं सरिता कश्यप और लक्ष्मी और अमित कुला आज से नहीं बहुत दिन से, लेकिन बहुत सारे हमारे नए बच्चे जुड़े हैं तो सभी को स्वागत है। चलिए विश्व का उच्चतम झरना, क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट कमेंट करके बताइए बीएसएफ ट्रेडमैन वालों। विश्व का सबसे उच्चतम झरना, अरे जीतेंगे जरूर, जीतेंगे कैसे नहीं, मेहनत करेंगे हम, मेहनत करेंगे वर्दी के लिए हम, और वर्दी मिल जाएगा हमारे पड़ोसी को, हमको मिलेगा। मेहनत कीजिएगा सुबह सुबह 4 बजे, पसीना बहाइएगा आप, 1 घंटा क्लास में एक जगह बैठ के फोन की तरफ देखिएगा आप, अब वर्दी और 1K47 मिलेगा दूसरे पड़ोसी को नहीं, आपको मिलेगा। चलिए विश्व का उच्चतम झरना है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है भाई, किसी को आज क्लास स्किप नहीं करना है, बने रहना है सभी को इस लाइव महामैराथन क्लास में। बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो भी बच्चे हैं ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, नहीं कीजिएगा क्लास पछताइएगा, जो आपको पैसा लेकर क्लास दे रहा है हम वह क्लास फ्री में दे रहे हैं, विश्वास नहीं होगा तो मिला लीजिएगा। चलिए विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन न्यू मैक्सिको, कहाँ है दोस्तों, न्यू मैक्सिको में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग खुद देख लीजिए कि पढ़ने वाले कितने कम बच्चे हैं, 262 बच्चे हमारी लाइव क्लास में जुड़े हैं, समझ गए। अमित शुक्ला लिखते हैं कि रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यास के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमित शुक्ला भाई को कि सभी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और समय समय पर अमित शुक्ला हमारे क्लास में जुड़ते हैं और बहुत मेहनती स्टूडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा शतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी, विश्व का सबसे छोटा पक्षी, फटाफट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का। शशिकांत मेहनती बच्चे हो, अमित कुमार, देवेंद्र पाल, गौरव कुमार, राधे आर्मी, मेंटल फौजी देख रहे हैं तभी से, कुछ बच्चे को हम देख रहे हैं बहुत मेहनती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मेहनती जितने भी बच्चे में हमारे साथ मेहनत करते हैं प्लीज गॉड जॉब लगा देना, हमारे बच्चे को सपने पूरा कर देना, हमारे सभी बच्चे बहुत मेहनती। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी गुनगुना पक्षी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुनगुना पक्षी। चलिए और बीएसएफ ट्रेड्समैन संबंधित जानकारी जो भी होगा, आज कुक टेस्ट में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट की एक बड़ी जानकारी आई है कि डॉक्यूमेंट में कितना दिन का समय दे रहा है, तो हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है तो हम आप लोगों को डॉक्यूमेंट संबंधित और एक कुक संबंधित और सभी के ट्रेड संबंधित हम जानकारी देने वाले हैं। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्गरेट चान ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक हैं, मार्गरेट चान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, डेली आप लोग जुड़िए, रात 8 बजे क्लास चलेगा, और कल यदि हम बीएसएफ कैंप चल गए
एक बच्चा है वो कल उसका एग्जाम है, सॉरी मतलब फिजिकल है, यदि हम चले गए तो बीएसएफ कैंप से हम आप लोगों को जानकारी देंगे, कुक वाले को, सभी ट्रेड वालों को, वहाँ से ट्रेड पता कर करके, तो आप लोग कल क्लास चलेगा भी, यदि हम घर पे रहेंगे तो चलेगा, यदि हमारी ट्रेन सही समय पे आ गई तो हम कल बीएसएफ कैंप चले जाएंगे तो हम बता देंगे, तो ऐसे आप लोगों को मैसेज चला जाएगा। चलिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिदिन प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 8 मई। क्या हो जाएगा? 8 मई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सभी बच्चे, और ये भी देख रहे हैं कि कौन बच्चे चलिए उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1942 में स्थापित हुई और कब भंग कर दी गई, तो ये कर दी गई 1946 में। और हिंदी की भी क्लास चलेगी, हिंदी की भी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उस विश्व संस्था का नाम बताइए तो लीग ऑफ नेशन। क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, मात्र 5 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए सभी बच्चे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करते जाइए, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है भाई, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को ऊपर पिन कर दिया है ग्रुप का, प्लीज़ जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए ऊपर दिया गया है, हम आप लोगों को पिन कर दिए ऊपर, देखिए ग्रुप का, देखिए आप जहां से कमेंट करते हैं उसके ऊपर ग्रुप का ये लिंक पिन किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, सभी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जितने भी बच्चे हैं, ध्यान से देखिए ग्रुप पिन किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए ऊपर, और सभी उसमें ज्वाइन हो जाइए उस ग्रुप में पीडीएफ लेने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फटाफट कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस दिन मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, फटाफट कमेंट करके बताइए यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, फटाफट कमेंट करके बताइए, देख लीजिए ध्यान से ऊपर चैनल पिन की व्हाट्सएप ग्रुप पिन किया हुआ है, सभी बच्चे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा सभी ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बहुत अच्छा, जो नहीं हुए हैं बाद में भी हो लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में
क्या किया, तो घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। मात्र दो क्वेश्चन बच गए हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऊपर देखिए कमेंट पिन किया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है चैट व्हाट्सएप, इसमें आप ग्रुप में आ जाइए सभी बच्चे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 22 मार्च, क्या हो जाएगा, 22 मार्च, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट सभी बच्चे कमेंट करते जाइए, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज देखिए 45 क्वेश्चन टॉप है, कल 45 नंबर का दूसरे दिन नेक्स्ट रहेगा जब जीके होगा, तो समझ गए। चलिए विश्व किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, कल जीएस होगा यदि हम घर पे रहे तो, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को हिंदी होगा, फिर नेक्स्ट डे मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास डे में होगा दोपहर 3 बजे। चलिए विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, दोस्तों चैनल पिन कमेंट पिन किया हुआ है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ग्रुप में आ जाइए ताकि हमको आप लोगों को पीडीएफ भेजने में आसानी हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। तो दोस्तों ये था आज बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए सभी ट्रेडों के जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है और 2023 में आप लोगों को ज्वाइनिंग होने वाली है इसके लिए एग्ज़ाम, और आज ये पहला क्लास था, कल होगा दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास आप लोगों को होगा। तो दोस्तों बता दें कि आज जो कुक में कोई बच्चा कुक में चाय बनवाया गया, रोटी पकवाया गया और सलाद कटवाया गया सेंटरों पर, वाशरमैन में जो बता दिए कपड़ा धुलाई और आयरन करना है, बार्बर में सभी को पता है, और जो भी बच्चे अपने ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास कल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, डेली रात 8 बजे आप लोग जुड़ जाइए, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, लव यू ऑल फ्रेंड्स।